तो गाइस आज हम हीरोब्राइन को लड़वाएंगे होगालाला से, और भी बहुत सारे खतरनाक मोब्स हैं, लेकिन क्या हीरोब्राइन होगालाला को ढेर कर पाएगा, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ये इस सीरीज का पार्ट 5 है। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने नल और एंटिटी 303 और हीरोब्राइन को लड़वाया था। हीरोब्राइन देखो भाई, तैयार रहना क्योंकि आज तुम लड़ने वाले हो बहुत ही खतरनाक मोब से जिसका नाम है होगालाला। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी आर्मी से लड़ना होगा, मतलब हीरोब्राइन गोलेम से। गाइस ये वाला गोलेम ना बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी जो आंखें हैं ना वो भी हीरोब्राइन की तरह व्हाइट ग्लो करती हैं। अब देखना ये है कि हीरोब्राइन अपनी ही आर्मी को, मतलब अपनी आर्मी के दो गोलम्स को एक साथ मारेगा। एक को तो खत्म कर दिया। हीरोब्राइन वो दरिंदा है कि अपनी आर्मी पर भी रहम नहीं करता। ओ, दोनों गोलम्स को मार दिया। लगता है आज हीरोब्राइन बहुत ही गुस्से में है। लेकिन एक मिनट, अभी पता चलेगा इस गुस्से का, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक मोब है। लेकिन आप इसको मोब नहीं कह सकते, ड्रैगन कह सकते हो। और गाइस मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब किसी को भी जिंदा खा जाता है। अब देखना ये है कि हीरोब्राइन इसको मार पाता है कि या हीरोब्राइन को ये अपने पेट में डालता है। ओ, हीरोब्राइन संभल के थोड़ा, क्योंकि अगर तुम्हें होगालाला को खत्म करना है तो तुम्हें इन खतरनाक मोब से लड़ना होगा। लेकिन गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट वीडियो हीरोब्राइन सीरीज का आना चाहिए या किसी और टॉपिक पर, कमेंट में बताना। हीरोब्राइन रुको, बेचारे को मत मारो, लगता है वो एंडर ड्रैगन का भाई है, नहीं तो ड्रैगन हमें नहीं छोड़ेगा। हीरोब्राइन भाई साहब अपनी पावर से मार। ओ, इसको भी लपेट लिया। हीरोब्राइन क्या खाते हो तुम, तुम्हें कौन मार पाएगा। अब पता नहीं होगालाला भी इसका मुकाबला कर पाता है कि नहीं। लेकिन एक मिनट, अब एक और खतरनाक फाइट देखते हैं, सन चीफ वीएस म्यूटेंट ज़ॉम्बी। अब सन चीफ भी एक तरह से बहुत खतरनाक बंदा है, और दूसरी तरफ से ये ज़ॉम्बी उससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे को तो लगता है, क्योंकि इस ज़ॉम्बी को जब से मैं मोब बैटल की सीरीज चला रहा हूँ इसको कोई भी नहीं हरा पाया। अब देखते हैं कि ये सन चीफ इस बड़े ज़ॉम्बी को हराता है कि नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़ॉम्बी सन चीफ को खत्म कर देगा। देखते हैं क्या होता है। ओ, लगता है ज़ॉम्बी को गुस्सा आ रहा है, और इधर से सन चीफ भी अपनी लाइटिंग पावर यूज कर रहा है। भाई साहब मैं तो थोड़ा दूर ही रहूंगा क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। और सन चीफ के जंप देखो, ज़ॉम्बी वो, ये सन चीफ की बहुत ही खतरनाक पावर थी। मुझे लगता है कि अगर तो ज़ॉम्बी को ये पावर लग गई तो ये नहीं बचेगा, क्योंकि हीरोब्राइन की भी लाइटिंग पावर बहुत खतरनाक है और सन चीफ की भी। ओ बेचारा ज़ॉम्बी, मुझे लगता है कि हालात खराब चल रहे हैं बिचाले ज़ॉम्बी के। अब देखना ये है कि ये, ओ फाइनली सन चीफ ने इस ज़ॉम्बी को भी मार दिया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये ज़ॉम्बी को आज तक किसी ने भी नहीं हराया था। लेकिन इस सन चीफ को कौन मारेगा। मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर तो है, लेकिन क्या ये सन चीफ को खत्म कर पाएगा। ओ, ये सन चीफ को लगता है फ्रीज करने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि सन चीफ फ्रीज होता है कि नहीं। और गाइस आप लोगों का कौन सा फेवरेट मोब है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस किस मोब की फाइट देखना चाहते हो, कमेंट में बताना। लेकिन मुझे तो लगता है कि सन चीफ इस मोब को भी खत्म कर देगा, क्योंकि अभी सन चीफ अपनी फेवरेट पावर यूज कर रहा है और उसकी हेल्थ बहुत ही तेजी से गई। मुझे तो लगता है कि सन चीफ इसको खत्म करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो सन चीफ को एक ही बंदा हरा सकता है जिसका नाम है हीरोब्राइन। और फाइनली सन चीफ ने इसको भी लपेट लिया। कितनी जुल्मी है ना सन चीफ, और कितनी खतरनाक दिख रहा है। अगली बार इसको एंटिटी 303 से लड़वाऊंगा, फिर पता चलेगा। लेकिन मेरे पास साइक्लोप्स है, और साथ ही मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक गोलेम है जिसका नाम है बेडरॉक गोलेम। और गाइस मैं आपको बताऊं, ये वाला गोलेम ना बहुत शक्तिशाली है। लेकिन देखना ये है कि साइक्लोप्स इसको खा जाता है या फिर साइक्लोप्स को ये मार देता है, क्योंकि एक तरह से साइक्लोप्स भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, जिंदा खा जाए। ओ, ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। एक मिनट, अभी पता चलेगा। म्यूटेंट वीदर है एक तरफ से, और देखना ये है कि क्या ये मार पाएगा अपना गोलेम। और गाइस अगर ये इस बार इसको भी मार देता है ना, ओ भाई साहब इसने तो हड्डियां ही तोड़ दी। ये कैसा गोलेम है। एक मिनट, तीन स्केलेटन आप इसको कह सकते हो मैं स्पॉन कर दिए मैंने। अब देखते हैं कि अगर तो ये गोलेम इन तीन को भी मार देता है
तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी हीरो ब्राइन सीरीज में किसी तरीके से ये गोलेम होता तो बहुत ही मजे आते नल और एंटिटी 303 को मारने के लिए। लेकिन अब देखना ये है कि ये बंदा क्या करता है भाई इनके साथ। ओ भाई साहब, हड्डियां ही तोड़ दी, कितनी खतरनाक है ना। मुझे तो लगता है कि ये नल को भी खत्म कर सकता है। लेकिन एक मिनट, म्यूटेंट ज़ॉम्बी वीएस एंडर गोलेम, ये वाली फाइट ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब देखना ये है कि इस ज़ॉम्बी को सन चीफ ने तो खत्म कर दिया था, लेकिन क्या एंडर गोलेम इसको मार पाएगा कि नहीं, देखना पड़ेगा। ओ भाई साहब, लगता है ज़ॉम्बी को गुस्सा बहुत आ रहा है, और उधर से वो वाला गोलेम भी बहुत खतरनाक है, और अगर इन में से कोई भी जीतता है तो उसको मैं लड़वाऊंगा सीधा सीधा हीरो ब्राइन के साथ, और अगर हीरो ब्राइन जीत जाता है तो ओ ये क्या क्या, भाई साहब ये वाला गोलेम भी बहुत खतरनाक है। एक एक मिनट, अब इसको एक ही शक्ति खत्म कर सकती है जिसका नाम है हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन इसको उड़ा दे, अगर तू इसको खत्म करेगा तो तू सीधा सीधा लड़ेगा होगालाला से, और अगर होगालाला मर जाता है तो माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल मोब होगा हीरो ब्राइन। लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ओ फाइनली हीरो ब्राइन ने अपनी लाइटिंग पावर यूज करना स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन क्या ये गोलेम लाइटिंग पावर से मर पाएगा, क्योंकि हीरो ब्राइन की लाइट, ओ फाइनली हीरो ब्राइन की लाइटिंग पावर ने इस गोलेम को भी लपेट लिया। कितनी खतरनाक मूड में है आज हीरो ब्राइन। चलो अभी बुलाते हैं होगालाला को। अब देखना ये है कि ओ लेकिन एक मिनट, होगालाला की आंखें तो रेड है ना, इसकी तो येलो टाइप लगती हैं। कोई बात नहीं, चलता है भाई, मोब बैटल सीरीज है। हीरो ब्राइन उड़ा दे इसको, खत्म कर दे। भाई साहब अगर हीरो ब्राइन इसको खत्म करता है तो समझो एंटिटी 606 को भी खत्म कर सकता है। लेकिन एक मिनट, आप लोगों ने कुछ नोट करा कि हीरो ब्राइन इसको अपने पास नहीं आने दे रहा, मतलब जैसे ही वो पास आता है हीरो ब्राइन उसको मारता है। कहीं ऐसा तो नहीं इसकी ऐसी कोई पावर हीरो ब्राइन जानता है जो वो पास आके मारता हो और एक ही दम हीरो ब्राइन को खत्म न कर दे। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि हीरो ब्राइन इसको, ओ फाइनली हीरो ब्राइन ने इसको भी ढेर कर दिया। भाई साहब कितनी खतरनाक बंदा है ना हीरो ब्राइन। लेकिन आखिर इसको कौन मार पाएगा, कमेंट में बताना अगर आपको कोई लगता है तो। और मैं आप लोगों को एक और खतरनाक फाइट दिखाता हूँ। एक तरफ है मेरा फेवरेट मोब रोग और दूसरी तरफ म्यूटेंट होगलेन। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन जीतता है, क्योंकि होगलेन भी बहुत खतरनाक है और रोग की आंखें देखो इतनी खतरनाक है, देख के मुझे बहुत ही डर लगता है। कहीं अगर रात को ये मेरे सामने आ जाए तो भाई साहब मैं 5 दिन नहीं उठूंगा मारे डर के। लेकिन अब देखना ये है कि इस बार रोक हमारी इज्जत रखवाता है कि नहीं, क्योंकि हमेशा ये हमारी बेइज्जती करवा देता है, मतलब हार जाता है। अब इस बार इसका हथौड़ा भी मुझे तो, ओ भाई साहब मुझे लगता है कि इस बार भी रोक हमारी बेइज्जती करवाने पर तुला हुआ है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये होगलेन इसके ऊपर हावी हो चुका है और कुछ ही देर में हमारा, ओ भाई साहब रोक ने इस बार हमारी बेइज्जती नहीं करवाई। दिल करता है 5 रुपए की मिठाई खिलाऊं हमारे प्यारे रोक को, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक एक मेरे पास भाई साहब फाइट पड़ी हुई है। एक तरफ है म्यूटेंट स्केलेटन और दूसरी तरफ है भाई साहब तलवार वाला बंदा, मतलब आप समझो एक तरफ तीर और दूसरी तरफ है तलवार। लेकिन जीतेगा कौन पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है ये तलवार वाला बंदा, ओ ये तो हार गया। कितनी खतरनाक स्केलेटन है ना। लेकिन मैं आप लोगों को एक और फाइट दिखाता हूँ, म्यूटेंट हस्क वीएस फ्रोस्टमा। लेकिन हम देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से आखिर कौन जीतता है, क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक है और पहले हम लोगों ने इनकी फाइट कभी नहीं करवाई थी, और मुझे तो लगता है कि हस्क इसको ख़त्म कर देगा। लेकिन वो भी भाई साहब बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, और क्योंकि वो किसी को फ्रीज भी कर सकता है, गुस्सा देखो उसका इतनी खतरनाक गुस्से में आता है। लेकिन भाई साहब मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर खत्म, मर गया आखिरकार। म्यूटेंट हस्क ने इसको भी खत्म कर दिया, लेकिन अब इसको कौन मारेगा। इलेक्ट्रिक हेड तो है मेरे पास, ये एक तरफ से मॉब कह लो आप इसको, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये हीरो ब्राइन की तरह लाइटिंग पावर यूज करता है, और हीरो ब्राइन तो एक ही मतलब लाइन यूज करता है, ये एक टाइम में 10-10 लाइटिंग पावर यूज कर लेता है, और वो भी वाइट वाली, वो देखो कितनी खतरनाक है ना।
लेकिन अब देखना ये है कि ये हस किसको खत्म कर पाता है कि नहीं। भाई साहब एक ही फटके में इलेक्ट्रिक ने इसको भी लपेट लिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग किस किस मॉब की फाइट देखना चाहते हो कमेंट में बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।